चाल जो है दी हुई है, हमारा लिखा है अमन कमन और मनन की चाल का अनुपात क्रमशः 2:3:4 है। अमन कमल और मनन द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा? तीन व्यक्ति हैं, एक है अमन और दूसरा है कमल। अमन कमल और मनन, मनन ठीक है, इनकी चालों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, चालों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:3:4। अब समय का रेशियो हमसे पूछ रहा है और दूरी क्या है? दूरी है सबकी समान। ठीक है, फार्मूला इसमें चाल वाला हमको पता होना चाहिए। चाल का फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब अगर हम दूरी को है, दूरी समान है, दूरी को अगर हम एक मान लें तो समय का रेशियो पूछा है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो दूरी अगर एक मान लेते हैं हमें तो चाल का रेशियो कितना है? 2। इसको 2x मान लो। ठीक है, रेशियो में है ना, पता नहीं है संख्या, आप 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, या 8 भी हो सकती है, तो 2x इसको मान लेते हैं, ये हो गया समय। फिर नीचे 3x इसका 1/4x। अब इन तीनों का एलसीएम होगा कितना होगा? 12 होगा। तो इसको 12 बनाने के लिए कितने गुणा करोगे? 6 से, तो ऊपर भी 6 से, तो 6। ये इसको 3×4 4 से गुणा करोगे, ऊपर भी 4 इसको 3 से। अब इसके समय का अनुपात कितना आ जाए हमारे पास? 6:4:3। ये सब हमने तुमको बताया है, इसको परीक्षा में पता किस तरीके से हल करेंगे? जब ये क्वेश्चन परीक्षा में आता है तब हम ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं, हमें थ्योरी नंबर नहीं मिलते हैं। चाल दी हुई है, समय पर हमसे पूछ रहा है, तो सीधे हम क्या करेंगे? 1/2 / 1/3 / 1/4। तीनों का एलसीएम कितना? 12। 2×12 3×4 4×3 सीधे इस तरीके से हम हल करते हैं। तो हमको बेसिक पता होना चाहिए कि ये हम नीचे क्यों रखते हैं। ठीक है, वो फार्मूले से हम हल करते हैं इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जो 10 है, हाँ वो ये हमारा नहीं, 9 नंबर ही है। अच्छा अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमने तुमको कमेंट बॉक्स में उत्तर देने के लिए कहा है। ये हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का है। लिखा है कि 45 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक बस, और इसकी चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो समान दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा? अब इस तरीके के सवाल को हल करने से पहले हमें पता ऑप्शनों पर नज़र फेरनी होती है कि उत्तर उसका जो है मिनट में पूछ रहा है, सेकंड में, या फिर घंटे में। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो हमारे मिनट में है। तो सबसे पहले हम एक बस है, ठीक है, बस दी हुई है, उसकी बस है, इसकी चाल नहीं दी हुई है, समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ 45 मिनट, और दूरी दी हुई है 45 किलोमीटर। अब यहाँ से हम चाल निकाल सकते हैं, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब चाल कितनी हो जाएगी हमारी, दूरी कितनी है हमारी? 45 किलोमीटर। समय हमारा कितना है? 45 मिनट। 45 मिनट को हमें घंटे में चेंज करना होगा, क्योंकि ये जो दोनों डायमेंशन होते हैं ये समान उसमें होने चाहिए। अगर वो ये हमारी अगर अभी मीटर में होती तो हम इसे सेकंड में कर लेते। ठीक है, अब वो हमारी है, समय कितना है हमारा? मिनट में, लेकिन जो दूरी हमारी किलोमीटर में, तो हम इसको किलोमीटर में ही चाल निकालेंगे, क्योंकि आगे सवाल कह रहा है कि इसकी चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया। मतलब ये 45 मिनट को समय में कैसे चेंज करोगे? 45 को 60 से भाग दोगे। ठीक है, 15×45 15×60, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा हमारे पास? 3/4 घंटा। 3/4 से हम भाग करेंगे तो ये 4 हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है,
तीन बटे चार है तो चार ये ऊपर चला जाएगा। ये सरलीकरण में आप लोगों ने सीखा होगा, ये चार हमारा यहाँ चला जाएगा, ये हमारा 15 से जाएगा, तो चार हमारी कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति घंटा। अब कह रहा है कि चाल जो है 20 किलोमीटर प्रति कम कर दिया जाए। अब अगर इसकी चाल जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम करवा रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल कितनी होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि तो समान दूरी को तय करने में समय कितना लगेगा। अब दूरी कितनी है 45, ये कितनी है किलोमीटर में, और समय हमारा है घंटे में 40, और समय इसमें पूछ कितने रहा है मिनट में, तो समय हम पहले घंटे में ही निकाल लेते हैं। कितना हमारा समय, ये हमारा समय निकल कर आ गया घंटे में समय, ठीक। इसे हल करेंगे 5 8 40 5 9 45 9 बटे 8 घंटे, ठीक है 9 बटे 8 घंटे हमारा समय निकल कर आया। इसको अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो कितने से गुणा करेंगे इसके, 9 बटे 8 घंटा, इसको अगर मिनट में चेंज करना है तो 60 से हम गुणा करेंगे तो ये कितना निकल कर आ जाएगा हमारा, 4 × 8 = 15 × 60 15 × 135 बटे 2 × 12 2 × 7 = 14 2 × 5 = 10 67.5 मिनट, ठीक। और आपका नंबर 3 दिया हुआ है, तो हम जो हमारा उत्तर जिसमें पूछ रहा है उसी में हमको निकालना, पता चला हम घंटे में निकाले बैठे हैं, ऑप्शन मैच नहीं वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन रखता है, क्वेश्चन नंबर 10 है, फिर हमारा टाइम एंड वर्क का सवाल है। कह रहा है कि यम अकेले किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है और यन अकेले उसी कार्य को 100 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि वह दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो 25 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा होगा। कह रहा है कि यम है जो अकेले 50 दिनों में, यम कितने दिनों में 50 दिनों में, यन कितने दिनों में 100 दिनों में, दोनों का एलसीएम लोगों कितना होगा 100। एलसीएम क्या होता है, वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं से विभाजित हो। इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 2, इसकी 1। क्षमता मैंने बताई थी कैसे निकाली जाती है, एफिशिएंसी टोटल वर्क को उनके एक दिन जो उनके दिनों की संख्या दी होती है उससे डिवाइड करके निकाली जाती है, तो क्षमता कितनी हो जाएगी एम की 2 यानी कि 1। और सवाल कह रहा है कि 25 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य प्राप्त हो, तो यम प्लस एन कितना हो जाएगा 3। ये 3 जो है कार्य कितने दिनों में करते हैं, 1 दिन में, ये दोनों मिल जाएंगे 1 दिन में, यम 2 करता है यन 1 करता है, तो जब 1 दिन में दोनों मिल जाएंगे तो टोटल कितना कार्य करेंगे 3, तो 25 दिन में कितना करेंगे 75 कार्य उन्होंने 25 दिन में कर दिया। अब पूछ रहा है टोटल कार्य का कितना प्रतिशत कर दिया, कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा, तो सीधे निकल आया 100 है 75 कर दिया तो कितना प्रतिशत उसका पूरा कार्य कर दिया 75 बटे टोटल वर्क इंटू 100% बदल लेंगे, 100 से 100 कट जाएगा कितना जाएगा 75। पूछता अगर कितना कार्य शेष रह गया, 75 कर दिया है 100 टोटल है 25 शेष रह गया बटे टोटल कार्य इंटू 100 तो 25% 75% कार्य उसने पूर्ण कर दिया है, वही हमसे पूछ रहा है। 12 नंबर सवाल है हमारा, 13 नंबर लिखा है, यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि इसका आयतन वही रहे। ये घनाभ का सवाल भी है, मतलब मेंसुरेशन का 3D पार्ट का, और हमारा प्रतिशत का भी सवाल बन जाता है। घनाभ दिया हुआ है हमारे पास, घनाभ मतलब QY, ठीक है। घनाभ का क्या पूछ रहा है, आयतन, आयतन इसका घनाभ का क्या होता है, घनाभ का आयतन लंबाई पूरे चौड़ाई पूरे ऊंचाई। यदि हम क्या करें बता, इसकी
वो कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि इसका आयतन वही रहे। तो हम ऐसा करते हैं, लंबाई और चौड़ाई ये सब मान लेते हैं। अगर हम इसमें चलो सेकंड सो रही हो, चलो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, दिया हुआ किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि इसका आयतन वही रहे। इस सवाल को पहले हम बेसिक से बताते हैं, फिर इसकी हम ट्रिक देखेंगे, यहीं पे हम देखेंगे खुद ट्रिक बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है, फिर इसे हम हल कराएंगे। सबसे पहले हम बेसिक से इसे हल करते हैं। लिखा है घनाभ, घनाभ टू वाइड, तो इसका जो है आयतन, आयतन कहेंगे, आयतन इसका क्या होता है, एल वी एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इसकी जो लंबाई में 50% की वृद्धि और चौड़ाई में भी 50% की वृद्धि की बात कहें, अगर इसकी लंबाई में 50% की वृद्धि और चौड़ाई में भी 50% की वृद्धि कर दी जाए तो कह रहा है कि ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि आयतन जो है समान रहे, वही आयतन रहे जो आयतन इसका पहले था। आयतन कितना था, एल बी एच। अब लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी तो लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, लंबाई या लहे मान लिया, इसमें 50% की वृद्धि हो गई तो ये कितना हो जाएगा, 3L/2। इसमें भी 50 की वृद्धि होगी तो ये कितना हो जाएगा, 3B/2। और एच में पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो सब आयतन लिखते हैं, नया आयतन बराबर पुराना आयतन, नया आयतन कितना हो जाएगा हमारा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़े ताकि नया आयतन और पुराना आयतन बराबर हो, मतलब ऊंचाई में हम मान लेते हैं एक्स प्रतिशत की कमी करनी, तो आयतन कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कितना पुराना जितना था, एल बी एच। इसे हल करेंगे कितना हो जाएगा, 3×3=9, 9L/4 100H-100HX/100 बराबर एल बी एच। ये हो जाएगा हमारा, इधर हल कराते हैं 900 LBH, इसकी गुणा कराओगे इसकी हो जाएगी हमारी -9LBHX/400 की गुणा सीधे उधर करा दोगे तो कितना हो जाएगा, 400 LBH बराबर में हो जाएगा हमारा 400 LBH। अब 900 में से 400 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 500 LBH बराबर 9LBHX, LBH से LBH चला जाएगा तो एक सरल कितना हो जाएगा, 500/9, तो एक सरल कितना हो जाएगा, 9×45 5, 9×45 फिर 5, 55.55% की कमी हमें करनी होगी इसमें ऊंचाई में। पहला मेथड तो ये हो गया, अब दूसरा अगर हम माने मान कर अगर इसे लगा LBH, तीन डायमेंशन होते हैं सवाल के अंदर, तो अगर हम एल को मान लेते हैं 100, इसको 50 और ऊंचाई को भी मान लेते हैं 75 चलेगा, तो आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, कुछ हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, और जो हमने क्वेश्चन दिया था 7 नंबर LCM 15 और 25 का, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो आज हम हमारी क्लास यहीं पे इसका अंत होता है, और ये जो हमारे क्वेश्चन हैं ये तुम्हारी आगामी परीक्षाओं में, जैसे कि तुम्हारी UPET की परीक्षा हो गई, UP कांस्टेबल की परीक्षा हो गई, SI की हो गई, इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन कोई पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। थैंक यू।